अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब फ्रेंड? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ल आपको खुश रखे, शाद व आबाद रखे, आपको और आपकी फैमिली को हर आफत से, हर परेशानी से महफूज फरमाए। आमीन। आप सब से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ अभी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा लें। आज हम जा रहे हैं अबू धाबी, मैं हूँ और मेरे साथ दो तीन दोस्त भी हैं माशाल्लाह। थोड़ा सा काम है उधर, अभी दुबई से निकले हैं। अभी दुबई से लिकुन अभी हमारे लेफ्ट साइड पे आए, तकरीबन 2 घंटा लगेगा जिधर हम जा रहे हैं। अभी हम दुबई ग्लोबल विलेज को क्रॉस कर रहे हैं। ग्लोबल विलेज अभी हमारे लेफ्ट साइड में आने वाला है। आज हम जा रहे हैं दोस्तों के साथ, दोस्तों ने फोर्स किया अबू धाबी जाने के लिए। एक दोस्त ने गाड़ी ली हुई है माशाल्लाह, गाड़ी भी बड़ी ली है। ये ग्लोबल विलेज है, ये हमारे लेफ्ट साइड पे, इसका ये है मेन एंट्रेंस एमिरेट्स रोड पे, और बहुत बड़ा ग्लोबल विलेज। उसने अभी गाड़ी ली है इन्फिनिटी, 6 सिलेंडर में है और 4x4 है, फुल ऑप्शन में है, 2011 मॉडल, बिल्कुल क्लीन गाड़ी है, टॉप क्वालिटी माशाल्लाह। ये अभी मेरे लेफ्ट साइड पे आ रहा है क्रिकेट स्टेडियम दुबई का, ये भी एमिरेट्स रोड पे है। इसकी पार्किंग भी बहुत बड़ी है और अंदर से भी बहुत ज़बरदस्त है, VIP माशाल्लाह। इंटरनेशनल ग्राउंड है, इंटरनेशनल स्टेडियम इन दुबई। अभी हम अबू धाबी की हदूद में दाखिल हो गए हैं माशाल्लाह। गाड़ी भी बहुत फास्ट जा रही है, 140 की स्पीड में हम जा रहे हैं और फास्ट ट्रैक पर। अभी अबू धाबी का नया रूल है, अगर आप फास्ट ट्रैक पर गाड़ी चलाएंगे तो मिनिमम आपकी स्पीड होनी चाहिए 140, तो इसलिए हम रूल को फॉलो करते हुए 145 पे जा रहे हैं माशाल्लाह। फास्ट ट्रैक पे हैं और स्पीड भी 145। फ्रेंड्स, अभी हम शेख जायद मस्जिद के साथ से गुजर रहे हैं माशाल्लाह। ये UAE की सबसे बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह, और अंदर भी ज़बरदस्त VIP माहौल है माशाल्लाह, और ख़ूबसूरत ही है, उन्हें मेहनत की है और सबसे बड़ी मस्जिद बनी है। और शेख जायद की जगह भी इधर ही है, इसी अहाते में उसको दफन किया हुआ है माशाल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ वजल उनकी बख्शिश फरमाए माशाल्लाह। अभी हमने इसको क्रॉस किया है, हम सिटी की तरफ जा रहे हैं। ये है अबू धाबी का मरूर, हमने यहाँ से दोस्त की गाड़ी को ट्रांसफ़र करना था, गाड़ी को चेक भी किया माशाल्लाह और पासिंग भी करा ली है, चेकिंग पूरी हो गई है, और यहाँ से हमने ट्रांसफ़र कराया है गाड़ी को माशाल्लाह। ये बाहर का व्यू है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। फ्रेंड्स, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अबू धाबी से काम अपना ख़त्म कर लिया माशाल्लाह, गाड़ी ले ली है दोस्त ने माशाल्लाह, इंस्पेक्शन भी करा ली है, ट्रांसफ़र भी हो गई है। अभी हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ, दुबई की तरफ। ये जो है ना शेख जायद ब्रिज है, और बहुत बड़ी ब्रिज है माशाल्लाह, VIP अभी नई बनाई हुई इन्होंने। दोस्तों को अभी लगी है भूख, अभी हम जा रहे हैं इंशाल्लाह, रास्ते में कहीं रेस्टोरेंट देखते हैं, खाना खाते हैं इंशाल्लाह। मैं हूँ, मेरे साथ 3 दोस्त और भी हैं, जिसने गाड़ी ली है अभी वो हमारी पार्टी करने वाले हैं इंशाल्लाह। अभी हमारा खाना हो गया पक्का, अभी हम रास्ते में इंशाल्लाह कुछ खाना खाते हैं, कुछ बिरयानी वगैरह माशाल्लाह। फ्रेंड्स, अभी जो सामने बिल्डिंग है बॉल टाइप, ये अबू धाबी की फेमस बिल्डिंग है, ये अल रहबा में है। जैसे दुबई में बुर्ज खलीफा फेमस है माशाल्लाह, अबू धाबी में भी यही बिल्डिंग है जो फेमस है, रहबा में है ये। अभी हमने डिसाइड किया, हमने खाना खाना है शहामा में, शहामा की बिरयानी बहुत फेमस है और है भी टेस्टी। अभी हम रास्ते में जा रहे हैं उस तरफ इंशाल्लाह, अभी थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं। गाड़ी भी हमारी बहुत फास्ट जा रही है माशाल्लाह, और हम हैं 2nd ट्रैक पे। ये है अबू धाबी की फेमस बिल्डिंग, वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह, अल रहबा में ऑन मेन रोड पे है ये। अब हम पहुंच चुके हैं शहामा, जहां हमने डिसाइड किया खाना खाने के लिए। बस अभी गाड़ी की पार्किंग ढूंढते हैं,
ये है शहमा, यहाँ से हम जाना है राइट। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमने गाड़ी पार्क कर ली है। ये है रेस्टोरेंट एंड किचन, कभी इधर आए टेस्ट करें इधर का खाना, माशाल्लाह बहुत टेस्टी है, मज़ेदार। अभी हम सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अभी डिसाइड किया कि ऊपर बैठना है, नीचे नहीं। इधर नीचे डाइनिंग टेबल वगैरह हैं लेकिन ऊपर जगह है इनकी, ये अरेबिक स्टाइल मजलिस टाइप। हमने बैठना है ये वाले सेक्शन में, ये अरेबिक स्टाइल है, ये है मजलिस शहामा अबू धाबी। अभी खाना तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सलाद और चटनी आ गई है माशाल्लाह अज़्ज़ोजल। अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी आ गया है माशाल्लाह। दोस्तों ने डिसाइड किया मंदी खाने के लिए अरेबिक खाना। मैं हूँ, मेरे साथ तीन और दोस्त भी हैं माशाल्लाह, दो अरेबिक हैं एक पाकिस्तान के हैं हमारे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह लंबा सफ़र करने के बाद और खाना खाने के बाद माशाल्लाह अभी हम वापस पहुंच चुके हैं दुबई। अभी हम अल खैर रोड पे हैं और हमारे सामने है बुर्ज खलीफा और दुबई के बड़े बड़े टावर। अभी हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह, अभी हम थोड़ी देर में अपने घर पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा सफ़र बाकी है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मस्जिद के पास पहुंच गए हैं, एक और नमाज़ का टाइम है, नमाज़ पढ़ते हैं। आप जहाँ भी हैं आप भी नमाज़ पढ़ा करें, नमाज की पाबंदी क्या करें। और हमारे सामने बुर्ज खलीफा है, ये बुर्ज खलीफा के अपोज़िट साइड में ये मस्जिद है माशाल्लाह। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद के अंदर। इस वीलॉग को अभी यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।